खेतड़ी नगर शेखावाटी क्षेत्र के झुंझुनू जिले में खेतड़ी से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे तांबा परियोजना के रूप में जाना जाता है। खेतड़ी नगर का निर्माण भारत सरकार के एक सार्वजनिक उपक्रम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने किया। यह नगर चारों तरफ से पर्वत द्वारा घिरा बहुत ही मनोरम है। यहाँ एक किला भी है। पास ही में तांबे की खदानें हैं जिनका मुगल काल में बहुत महत्व था। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना 9 नवंबर 1967 को की गई थी। उसी समय खेतड़ी नगर की स्थापना की गई थी। कारखाने में काम करने वाले कर्मचारियों के आवास के लिए यहां हजारों क्वार्टरों का निर्माण किया गया था। यह खेतड़ी नगर का एकमात्र सिनेमा हॉल हुआ करता था, जिसमें रोज 3 शिफ्ट चलती थी और फिल्म देखने के लिए एडवांस बुकिंग करवानी पड़ती थी। लेकिन आज इसको दीनबंधु मैरिज पैलेस में बदल दिया गया है। खेतड़ी नगर के सभी बाजारों में पहले काफ़ी चहल पहल रहा करती थी, लेकिन आज कुछ दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद हैं। यह खेतड़ी नगर का सबसे बड़ा स्कूल हुआ करता था। यह विद्यालय दो पारी में संचालित होता था और यहाँ हजारों की संख्या में विद्यार्थी पढ़ते थे। लेकिन आज यह विद्यालय बंद पड़ा है और यह काफ़ी जर्जर भी हो चुका है। एक समय था जब इस कारखाने में लगभग 10,000 कर्मचारी काम करते थे और इन कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को मिलाकर कुल 30-40 हज़ार लोग इस नगर में रहते थे। लेकिन आज इक्का दुक्का क्वार्टरों को छोड़कर बाकी के सारे आवास खाली पड़े हैं और काफ़ी जर्जर भी हो चुके हैं। इसका मुख्य कारण है अधिकांश कर्मचारियों ने VRS ले लिया, अनेक रिटायर हो गए और नई भर्ती भी नहीं की गई। इस प्लांट में 5 फरवरी 1975 से तांबे का उत्पादन शुरू किया गया था। इस दिन देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यहां आई थी। उन्होंने यह प्लांट देश को समर्पित किया था। तब हर माह करीब 3,500 टन शुद्ध तांबे का उत्पादन होता था। यह खेतड़ी नगर का रामलीला मैदान है। यहाँ नवरात्रों में रामलीला का मंचन हुआ करता था। इस मैदान में रामलीला के दौरान रामलीला देखने वालों की इतनी भीड़ हुआ करती थी कि यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं मिलती थी। लेकिन आज इस मैदान में झाड़ उगे हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि यह अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। खेतड़ी नगर की सड़कों पर पहले वाहनों की रेलम पेल रहती थी, लेकिन आज इस नगर की सड़कें, पार्क और यहाँ के बाजारों में सन्नाटा पसरा पड़ा है, जो इस शहर की बदहाली की गवाही दे रहा है। वर्ष 2008 से पहले यह संयंत्र अपने चरम पर था,
लेकिन उस दौरान तांबे की कीमत कम हो गई, लागत बढ़ गई, संयंत्र पुराने हो गए। अफसरों की गलत नीतियों के कारण यह घाटे में चलने लगा, लेकिन आज भी यहाँ तांबे के भंडार में कोई कमी नहीं आई। अब नई तकनीक के संयंत्र लगाने की ज़रूरत है। अगर संयंत्र फिर से लगा दिए जाएं तो फिर से केसीसी में 10,000 से ज़्यादा कर्मचारियों को रोज़गार मिल सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।